नमस्कार यंगस्टर्स जो बिज़नेस में आना चाहते हैं और अपने लाइफ को बिज़नेस की तरफ व्यवसाय की तरफ जोड़ना चाहते हैं, वो लोग जो यंग बच्चे हैं जिनके पास फंड्स की कमी है, तजुर्बे की कमी है, एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट की कमी है, वो अपना सारा कुछ ध्यान बिज़नेस की तरफ लगाना चाहते हैं, तो पहले अपना एक टाइम टेबल बनाएं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए कितनी फंडिंग चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, स्केल अप बाद में होगा, पहले बेसिक से शुरू कर। इवन अगर एक यंग बच्चा ये सोच ले कि मैंने एक छोटा सा बर्गर स्टॉल शुरू करना है जो कि 20-25 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से चल सकता है, नीट एंड क्लीन ग्लव्स यूज़ करें, नीट एंड क्लीन उसको एनवायरनमेंट दे, 20-25 रुपए में ही कैन सेल इट इन वेरी गुड प्लेसेस, और लोगों को डिमांड है अच्छे खाने की, साफ सुथरा खाने की, स्ट्रीट फूड की। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे ही लकड़ी के काम में, जैसे हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, हमें बेसिकली कारपेंटर से शुरू हो सकता है, आप बनवा सकते हैं, प्लास्टिक चेयर्स लेके आ सकते हैं, प्लास्टिक चेयर्स से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपकी 15-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम चालू कर सकते हैं। ये बिज़नेस आहिस्ता, जैसे आपकी डिमांड, आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे, आप उसको बढ़ाते जाएंगे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदारी से, और अपने प्रोडक्ट के मार्जिन जेन्युइन रखें, अच्छी फीडबैक दें, क्योंकि अगर पैसे नहीं हैं तो आपका कंपनसेशन, आपका व्यवहार और आपका विचार होगा। प्रोडक्ट सब जगह मिलता है, अगर आप डिफरेंट होंगे सिर्फ इसकी वजह से होंगे कि आपका कंडक्ट कैसा है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, या आपसे वो जुड़ना रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए आपकी क्वालिटी अच्छी, सर्विस और अच्छी सोच की होनी चाहिए, दैट विल मेक यू अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप। नमस्कार।